जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम एडुटेरिया रामबान का 2 देखेंगे, आज पार्ट 2 देखेंगे और इसमें हम 3 सेट बनाएंगे। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो आंसर आपका हो जाएगा 1986 में। ठीक है, भारत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1986 में पारित किया गया, जबकि अगर 1952 की बात करें, 1952 की, तो उस समय जो है वन नीति आया था। उसके बाद 1972 में अगर हम बात करें तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पास किया गया था 1972 में। उसके बाद 1980 में अगर हम बात करें तो वन संरक्षण जो है वो पारित किया गया था, वन संरक्षण अधिनियम, और 1986 में आपका पर्यावरण सुरक्षा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम परितंत्र है। तो बगीचा जो है ये आर्टिफिशियल है, कृत्रिम परितंत्र है, जबकि समुद्र वन झील जो है ये आपका कौन सा, तो प्राकृतिक परितंत्र है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जलवाष्प। जलवाष्प जो है सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। ऐसे जलवाष्प, मिथेन, CO2, ओजोन, ये सब जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, बट सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो जलवाष्प। नेक्स्ट है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो ये आपका है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है आपका दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, मुख्य भूमि का अगर पूछा जाए तो हो जाएगा कन्याकुमारी। अगर पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुख्य भूमि का पूछा है तो इसलिए मुख्य भूमि का कन्याकुमारी होगा। नेक्स्ट है कि भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है सबसे ज्यादा आपका भारत में पाया जाता है। अगर हम बात करें तो बिहार, झारखंड, MP, ये सब एरिया है जहाँ पे आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है, राजस्थान ये सब में भी। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। तो इसका आपका हो गया कि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है, तो ये गलत है, क्योंकि हिमालय का पश्चिमी भाग जो है पूर्वी भाग की चौड़ाई से अधिक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या है, कौन सही है, तो केवल एक जो है वो सही है आपका, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है, तो ये 6 का हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है। तो अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है आपका नर्मदा। ठीक है, नेक्स्ट है कि चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। तो 8 का आंसर आपका हो जाएगा अम्लीय, एसिडिक जो मिट्टी होती है, अम्लीय मिट्टी होती है, और चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट है कि मानसून निर्वर्तन होता है, तो मानसून आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी में, ये मानसून जो है आपका उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी में जाता है, तो ये निर्वर्तन होता है। नेक्स्ट है कि वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है, तो वेनेजुएला की राजधानी आपका कराकश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो ए नंबर देखते हैं कि भारत में जो साइक्लोन आता है उसको चक्रवात कहते हैं, बिल्कुल सही। बी में चीन में टाइफून आता है, चक्रवात का नाम है। ऑस्ट्रेलिया के चक्रवात को बिली बिली कहते हैं। अमेरिका का बागियो, तो बागियो अमेरिका का नहीं है, ये फिलीपींस का है। अमेरिका में अगर बात करें तो उसके चक्रवात को कहा जाता है आपका हरिकेन, और टोर्नाडो आता है वहाँ। दूसरा 12 नंबर क्वेश्चन है कि कोरल रीफ, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, गलत हो गया। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच जो है कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः पाई जाती है। नेक्स्ट है कि स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है, तो ये आपका मूल कर्तव्यों से है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है स्वर्ण सिंह समिति ने फंडामेंटल ड्यूटी या मूल कर्तव्य को जोड़ा था। चलिए नेक्स्ट है कि न्याय, उचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो यह आपका आर्टिकल 42 अनुच्छेद 42 राज्य के नीति निदेशक तत्व के तहत, अनुच्छेद 42 के तहत क्या है, न्याय, उचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए जो है प्रोविजन किया गया है। है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें उपयुक्त कौन सा कथन गलत है। तो गलत हम देखते हैं कि पहला है किसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु तक होता है, तो ये आपका गलत है। दूसरा हो गया कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, तो ऐसा नहीं है,
तो बी हो जाएगा, दो भी गलत हो गया। तीसरा है किसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है, तो ऐसा भी नहीं है। तो ये सभी गलत हैं, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। ये आपका हो जाएगा 15% से अधिक जो है नहीं होना चाहिए। ये संविधान संशोधन 91 संविधान संशोधन के द्वारा जो है आपका हुआ था कि 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है। तो ये आपका जो है न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के अंदर आता है। रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा क्षेत्राधिकार है, तो न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया। तो दल बदल अधिनियम संशोधन जो है आपका पारित किया गया था 18 नंबर, तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा 1985 में। ठीक है, यह संशोधन पारित किया गया था 1985 में। नेक्स्ट है कि मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई। तो उन्हें फांसी मिली थी 8 अप्रैल 1857 को, मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। अब हम देखते हैं कि बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। ठीक है, तो इसका हम देखेंगे कि बंगाल था, संयुक्त प्रांत भी था, एक मिनट, हाँ कौन सा नहीं रहा, तो उसमें आपका हो जाएगा बंगाल, संयुक्त प्रांत। ठीक है, तो बहावी आंदोलन का मुख्य क्षेत्र कौन सा नहीं रहा, असम नहीं था। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वो असम नहीं था, जबकि बंगाल और संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची वन को सूची टू से सुमेलित करें। तो हम इसमें देखते हैं कि सूरत की संधि कब हुई थी। तो सूरत की संधि जो है आपका कब हुई थी, पूना की संधि, पुरंदर की संधि और देवगांव की संधि। तो पुरंदर की हुई थी 1665 में, सी का वन। ठीक है, उसके बाद फिर सूरत की संधि कब हुई थी, 1775 में। पुणे की संधि कब हुई थी, तो ये आपका हुई थी 1817 में। और देवगांव की संधि कब हुई थी, तो 1803 में। तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सूरत की संधि आपका हुई थी कब, 1775 में। पुणे की संधि कब हुई थी, 1817 में। पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1665 में। और देवगांव की संधि हुई थी आपका 1803 में। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो 30 का आपका आंसर हो जाएगा मृष्कटिकम। मृष्कटिकम से जो है गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है कि कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था। ठीक है, तो 31 का आपका आंसर हो जाएगा वो किसका था, तो वो जो है जैन धर्म का अनुयायी था, कलिंग का शासक खारवेल। नेक्स्ट है कि भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्कंद गुप्त से संबंधित है भीतरी अभिलेख। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है। तो ये आपका निर्मित है पल्लव शासक के द्वारा, जो है कैलाशनाथ मंदिर आपका निर्मित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नाटक सेंड्रोकोटस या चंद्रगुप्त के विषय में या किसने लिखा है। ठीक है, तो ये लिखने वाले आपके हो गए एरियन। एरियन ने क्या लिखा है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक था सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट है कि ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है। तो ये आपका रहता है 1/10 सेकंड तक रहता है ध्वनि का प्रभाव मस्तिष्क में। नेक्स्ट है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है। तो ये आयरिस के द्वारा जो है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कंट्रोल जो है आयरिस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है। तो वो किडनी में जाकर छनती यानी ब्रिक हो जाएगा। ठीक है, 37। अब हम देखते हैं 38, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है।
तो ये आपका होता है 55-60% भाग जो है रक्त का प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट है कि एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन क्या है, तो 39 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीजीन। ठीक है, एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन है, तो फ्लोरीजीन। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष किसके कारण होता है, तो इंद्रधनुष की अगर हम बात करें तो परावर्तन भी हो जाएगा और अपवर्तन भी हो जाएगा। 41 है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका स्वसंजक बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो है जो कार्यकारी आकर्षण बल होते हैं उनको स्वसंजक बल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, जब जो पदार्थ आपका किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो कहलाते हैं अभिकारक। ठीक है, अभिकारक कहते हैं उनको। नेक्स्ट है कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है, तो जब क्षारक को हम अगर जल में घोलेंगे तो हमें जो है OH- आयन जो है ये मुक्त होगा, वहीं अगर एसिड को घोलेंगे तो आपका H+ आयन मुक्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि नींबू के रस का pH मान कितना होता है, तो नींबू के pH मान जो होता है 2.2 होता है। ठीक है, उसके रस का। नेक्स्ट है कि बादल और वायुमंडल में तैरना किस कारण होता है, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है, तो ये आपका होता है श्यानता के कारण। ठीक है, विस्कोसिटी के कारण जो है बादल और वायुमंडल का तैरना होता है। नेक्स्ट है कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं, तो जो पौधे छाया में पनपते हैं उनको कहते हैं सीओफाइटस कहते हैं, जो इसमें छाया में पनपते हैं। लिथोफाइटस अगर बात करें तो चट्टान पे पनपते हैं उसको लिथोफाइट्स कहते हैं। हेलोफाइट्स अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका नमक में। ठीक है, यानी हेलोफाइट्स जो हो गया नमक या नमकीन जो पानी रहता है उसमें पनपता है तो हेलोफाइट्स कहलाते हैं। 47 है कि मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है, तो मेनरहीन सीमा रेखा जो है आपका रूस और फिनलैंड के बीच है मेनरहीन। नेक्स्ट है कि जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 22 मई को जैव विविधता दिवस। ठीक है, 49 है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो ये आपका किया गया था 2007 में NFSM की शुरुआत। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन आपका 2007 में हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत में मुद्रा स्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप कौन सा है, तो ये है आपका CPI। ठीक है, CPI जो है ये आपका क्या है, प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके, होल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसका कुछ जो इसका ये रहा होगा स्मरणीय तथ्य। ठीक है, स्मरणीय तथ्य हम देखते हैं, तो स्मरणीय तथ्य में आपका बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में, और इनकी मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व कुशीनारा उत्तर प्रदेश में। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 6 वर्ष का जब कठिन तपस्या करने के बाद 35 साल की आयु में फाल्गु नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और बुद्ध अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश सारनाथ में दिए थे, पहला और सबसे ज्यादा उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया था। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना जाता लेकिन पुनर्जन्म को माना जाता है, क्योंकि ये कर्म पे बिलीव करते हैं, कर्म पे भरोसा करते हैं। नेक्स्ट है कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो कम से कम 15 साल होना चाहिए। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था, जो है कहाँ की नगर वधु, तो ये वैशाली की जो नगर वधु थी आपकी आम्रपाली, उसको सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था गौतम बुद्ध ने। फिर सर एडविन अर्नॉल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिष पुंज कहा, यानी लाइट ऑफ एशिया कहा था किसने, सर एडविन अर्नॉल्ड ने गौतम बुद्ध को। ठीक है, अब इसके सभा समय और स्थान वगैरह देखते हैं। चलिए, प्रथम संगीति होता है 483 ईसा पूर्व में राजगीर में, अध्यस्थ थे महाकश्यप, शासनकाल था अजात शत्रु, और इसमें सूत पिटक और विनय पिटक की रचना होती है। द्वितीय संगीति होता है आपका 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में, और वो वैशाली में होता है, अध्यक्ष थे सभाकामी, और उस समय शासन था काला अशोक का। इसमें दो भागों का ये होता है, महासंगिक और स्थिरांगिक जो है इसमें बढ़ता है।
तीसरा हो गया कि तृतीय संगीति होती है 250 ईसा पूर्व में और ये होता है पटना में। इसके अध्यक्ष करते हैं मोगली पुत्तिस, राजा अशोक के समय में शासनकाल था और इसमें आपका विदम पिटक की रचना होती है। चतुर्थ संगीति होता है 98 ईस्वी, है ना, यानी 98 ईस्वी में और ये कश्मीर के कुंडल वन में और अध्यक्ष थे वसुमित्र और शासनकाल था कनिष्क का। और इसमें जो बौद्ध धर्म है दो शाखा में बढ़ती है, महायान और हीनायन। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो वो थे ऋषभदेव। जैन धर्म का 22वें एवं 23वें तीर्थंकर क्रमशः कौन थे? तो 22वें अगर बात करें तो अरिष्टनेमी और 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ थे। ठीक है, अरिष्टनेमी के बारे में कहा जाता है कि अभी ये कंफर्म नहीं, अभी तक कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि वो एकमात्र जो है वो महिला थी अरिष्टनेमी, पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे और इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में। इनकी मृत्यु हो गई थी नालंदा के पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में। बचपन का नाम था वर्धमान और इन्होंने जो है 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ा था और 12 वर्ष का जब कठिन तपस्या करते हैं तो 42 साल के एज में जो है इनको रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। महावीर अपना शिष्य को 11 गणधरों में विभाजित किए थे। अगर हम बात करें बौद्ध के शिष्यों की तो 5 थे, ठीक है, लेकिन महावीर के शिष्य थे जो 11 गणधरों में उन्होंने विभाजित किया था। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। ठीक है, ये स्यादवाद और अनेकांतवाद संबंधित है। जैन धर्म आपका जो किससे रिलेटेड है तो स्यादवाद और अनेकांतवाद से रिलेटेड है। ठीक है, ये लोग विश्वास रखते थे, पुनर्जन्म में तो विश्वास रखते ही थे, साथ ही स्यादवाद और अनेकांतवाद में संबंधित है आपका जैन धर्म। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो वो चंपा थी। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उनका दामाद जो जमाली या जामिल कहते हैं, या जमाली वही है। ठीक है, अब हम बात करें जैन संगीतियाँ दो हुई थी। पहला जो हुआ था वो था 300 ईसा पूर्व में, उसमें आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र। और द्वितीय आपका हुआ था 512 ईस्वी में और ये स्थल था आपका गुजरात का बल्लवी, अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी फिरोज शाह मेहता के द्वारा। नेक्स्ट है कि मृत्य घाटी यानी डेल बैथी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है अत्यधिक उष्णता के कारण जो है ये प्रसिद्ध है। ठीक है, मृत घाटी। नेक्स्ट है कि जलोढ़ घाटी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो 3 में आपका हो गया पहला कि जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश, जलोढ़ मृदा जो है प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट के नई डेल्टाओं और नदियों के घाटियों में पाई जाती है। ठीक है, पहला कह रहा जलोढ़ के बारे में कि जलोढ़ मिट्टी जो है प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है, तो ये सही है। दूसरा कह रहा कि प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, ये गलत है, उसे खादर कहते हैं, नई वाली को, पुरानी वाली को बांगर कहते हैं, तो ये गलत हो गया। तीसरा हो गया कि जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो तीसरा सही है। तो उस हिसाब से जगह 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है, तो सूर्य ग्रहण की जब स्थिति होती है तो चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है और ये चंद्र ग्रहण, सॉरी सूर्य ग्रहण ये कहलाता है, क्योंकि सूर्य को जो है चंद्रमा ढक लिया गया इसलिए। ठीक है, चंद्रमा क्या होगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाएगा तो उससे सूरज की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगी, तो कहा जाएगा कि ये सूर्य ग्रहण हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम का भंडार है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 10 डिग्री चैनल की बात करें तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप सही है। ठीक है, उसके बाद डोबर जल डमरू, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जो है, उत्तरी सागर को डोबर जल डमरू। फिर मलक्का जल संधि अगर हम बात करें तो अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को मलक्का जल संधि। वहीं डेविस जल संधि बात करें तो बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर, तो आपका डी जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो ये आपका 7 का आपका आंसर हो जाएगा ए। ये भितरकनिका जो ओडिशा में है वहाँ ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है?
तो ये वही वन क्षेत्र है जहाँ बहुत बुरे तरीके से आग लग गई थी और जंगल काफी जल गए थे, लोग जो जन वन्य जीव थे वो भी जल गए थे, अमेजन वर्षा वन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है, तो ये नुकसान पहुंचाने वाला CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, ओजोन परत को। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था, तो ये किया था आपका A.G. टॉन्सले ने जो है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन है, तो ये है आपका नर्मदा, तापी और माही, ठीक है, 1, 2, 3 हो जाएगा। नर्मदा, तापी और माही है जो अरब सागर में गिरती है, महानदी आपका जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो पश्चिमी की तरफ प्रवाहित हो रही नर्मदा, माही, तापी, अरब सागर में। नेक्स्ट है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते, यह कौन सी अभिक्रिया है, तो ये आपका उदासीनीकरण है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं HCl, ठीक है, HCl की अभिक्रिया से क्या बनता है, तो सोडियम क्लोराइड बनता है NaCl2 और जल बनता है H2O, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, तो उदासीनी अभिक्रिया। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है, तो ये आपका हो गया अवक्षेपण, अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण नहीं है, जबकि दहन है ऑक्सीकरण, भोजन का पचना भी ऑक्सीडेशन में ही आता है ऑक्सीकरण, श्वसन भी आपका ऑक्सीकरण में आता है, अवक्षेपण जो है अवकरण में आता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है, तो विद्युत का सुचालक की बात करें तो ग्रेफाइट है, ठीक है, विद्युत का सुचालक यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये ग्रेफाइट है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है कि रबर निम्न में किसका बहुलक है, तो रबर आपका जो है आइसोप्रीन का बहुलक है रबर। नेक्स्ट है कि वास्तविक वस्तु को हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण क्या होता है, तो ये आपका होता है समतल व उत्तल, ठीक है, वास्तविक वस्तु को हमेशा अगर सीधा प्रतिबिंब बना रहा है तो वो मिरर क्या होगा, समतल व उत्तल होगा। नेक्स्ट है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका नर्म लोहे हो गए, ठीक है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है, तो नर्म लोहे का। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां है, तो 18 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, पृथक्करण की बात करें तो क्या है ये, रवाकरण, आश्वन, निष्यंदन और ऊर्ध्वपातन, तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है, तो ये होता है आपका एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन हार्मोन और प्रोजेस्ट्रोन, यानी उपयुक्त में से सभी हो गया, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन और रिलैक्सिंग हार्मोन। अब चलिए हम आगे देखते हैं, ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट है इसमें सुमेलित करना है विटामिन को सूची से, ठीक है, टोकोफेरोल क्या है, नेक्थोक्यून क्या है, थायमिन से क्या होता है, साइनोकोबालमिन से क्या होता है, ठीक है, तो आपका अगर बात करें नेक्थोक्यूनोन यानी के, तो उससे हो गया चोट लगने पर रक्त का थक्का ना जमने से अधिक श्राव होता है, बी का हो जाएगा आपका 1, टोकोफेरोल यानी कि ई हो गया विटामिन ई, तो उससे होगा जनन क्षमता की कमी होती है, ठीक है। अगर हम बात करें थायमिन, तो उससे बेरी बेरी होता है, सी का 2 हो गया, बी का आपका हो गया 1, बी का 1, सी का 2 और आपका ए का हो गया 3, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3, 1, 2, 4, ठीक है। टोकोफेरोल का हो गया आपका, यानी टोकोफेरोल किसको बोलते हैं, विटामिन ई को, उससे जनन क्षमता की कमी होती है, तो 2 हो गया, सॉरी 3 हो गया, और उसके बाद नेप्थोक्यूनिन की बात करें यानी विटामिन के, उससे क्या होता है, रक्त का थक्का जमने में जो है वो सहायक होता है, तो अगर नेप्थोक्यून की कमी से क्या होगा कि उसमें रक्त का थक्का नहीं बनेगा, तो बी का हो जाएगा 1। उसके बाद अगर हम बात करें थायमिन की, तो थायमिन यानी बी हो गया, ठीक है, विटामिन B1, तो इससे बेरी बेरी होता है। साइनोकोबालमिन की बात करें तो उससे क्या होता है, B12 कहते हैं जिसको, साइनोकोबालमिन, तो इसे तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां होती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है, ठीक है, तो 21 का आपका आंसर हो जाएगा कूटपाद, कूटपाद के द्वारा जो है अमीबा में भोजन ग्रहण, अंतर्ग्रहण होता है, इनडाइजेशन होता है आपका कूटपाद के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है, तो ऊर्जा की मात्रक की बात करें तो जूल है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 9 का खा में जो है सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए,
तो अब क्या है कि उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय जो है 5 प्रकार के जारी करता है। एक तो सही लग रहा, और उसके बाद अगर क्या है कौन सा कथन सही है पूछ रहा है ना, तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी केवल 2 सही है। उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, कितने प्रकार का, तो 5 प्रकार का जो है आपका रिट जारी करता है। हाँ, 6 प्रकार का नहीं, 5 प्रकार का उच्चतम न्यायालय। अब दूसरा है कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, तो 2 सही है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, तो ये सही है। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, तो ये भी सही है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, नहीं दो ही जोड़े गए थे 42वें के द्वारा। नेक्स्ट है कि वर्तमान में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 8 और बाद में फिर 2 जोड़े गए, ठीक है, पहले 8 जोड़े गए 10 नहीं। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। अभी जो है 11 मौलिक कर्तव्य, जबकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। वो उन्होंने सुझाव दिया था 8 का, लेकिन 2 और जोड़े गए और 10 हो गए, ठीक है। तो 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान के द्वारा जोड़े गए, तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, तो पहला है कि केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण सही है, दूसरा है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, प्रांत की कार्यकारिणी सरकार में जो है प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था लगी थी 1919 के तहत। तीसरा हो गया कि इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया, तो ये भी सही है, तो हो जाएगा 1, 2, 3 यानी सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था, तो ये सौंपा गया था डॉक्टर जॉन मथाई को, जो है सबसे पहले सौंपा गया था किसका, रेलवे और परिवहन मंत्रालय का, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत नहीं है, तो कुटीर उद्योगों का विकास ये है, ये गांधीवादी में आता है। नेक्स्ट है कि आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार ये भी है, अल्पसंख्यकों की भाषा लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण ये आर्टिकल 29 में है, और राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने पर सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने का प्रयास करेगा, तो ये आपका DPSP में, जबकि जो सी है वो किस में है, तो आर्टिकल 29 में, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, ना कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के। चलिए अब 29 हम देखते हैं, 29 में आपका हो गया कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में कौन शामिल नहीं है, तो व्यापगत सिगंध के बाद के सतारा, बगाड़, झांसी, जयपुर, ठीक है, बुंदेरी, ये सब जो है आपका व्यापगत सिद्धांत के अंदर जो है इसको कैप्चर किया गया था, लेकिन अवध पे जो है कुशासन का आरोप लगा के इसको जो है कैप्चर किया था कौन, लॉर्ड डलहौजी जो है इस पे कब्जा किया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अवध। नेक्स्ट है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया, तो शारदा अधिनियम आपका पारित किया गया था 1930 ईस्वी में, ठीक है, 1930 ईस्वी में आपका शारदा अधिनियम पारित किया गया। 1929 में अगर हम बात करें तो उस समय आपका जो है वो सती प्रथा का जो है वो बंद किया गया, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये की गई थी एनजी रंगा के द्वारा जो है प्रथम किसान स्कूल की स्थापना। नेक्स्ट है कि इंडियन मिरर समाचार पत्र के संपादन किनके द्वारा किया जाता था, तो ये किया जाता था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है इंडियन मिरर समाचार पत्र का एडिटर यही थे देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया,
तो वो था 1909 लाहौर में जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन, तो कांग्रेस का 1909 वाला जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इसके दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया, तो ये आपका 16 अगस्त 1946, हाँ 16 अगस्त 1946 को जो है आपका प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग के संबंध में सही नहीं है, तो इसमें दिया हुआ है पहला कि जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर कमेटी गठित की गई थी, सही है। सैफुद्दीन किचली और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, ये भी सही है। सी है किसके उपरांत गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी, ये भी सही है। चौथा है किसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया, तो ये गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। चलिए अब हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट है कि किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी, तो ये है आपके हर्ष ने है जो शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है, तो वो है चैतन्य महाप्रभु को जो है कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी, ठीक है, तो 39 का आपका आंसर हो जाएगा धर्मपाल, उन्होंने विक्रमशिला जो भागलपुर में है तो इसका स्थापना किया था किसने, तो धर्मपाल ने। उदंतपुरी का अगर पूछ दे तो वो गोपाल, और गोपाल जो है किसके संस्थापक हैं, तो पाल वंश के संस्थापक हैं। 40 हो गया। 40 नंबर है कि निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपना राजवैद्य जीवक को भेजा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार, बिंबिसार ने जो है अपना राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। नेक्स्ट है कि किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था, तो MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है इब्न बतूता भारत आया था। नेक्स्ट की हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो ये आपका जो है कांस्ययुगीन सभ्यता थी आपका हड़प्पा सभ्यता। अब नेक्स्ट है कि तारीख है मुबारक शाही पुस्तक नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी, तो याहा बिन अहमद सर हिंदी, तारीख है मुबारक शाही पुस्तक जो है याहा बिन अहमद सर हिंदी के द्वारा रचित थी, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा, तो वो लॉर्ड लिंथिंगो का जो कार्यकाल है वो सबसे लंबा रहा। नेक्स्ट है कि एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें क्या अध्ययन किया जाता है, तो ये अध्ययन आपका जो है जानवरों एवं पौधों की संरचना की जाती है। नेक्स्ट है कि GNP में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है, तो निजी प्रेषण है, बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्त है, बाह्य अनुदान भी, लेकिन विदेशी निवेशियों की आय जो है इसमें GNP यानी राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जो है विदेशों से आया हुआ धन, विदेशी निवासी का आय जो हम कहें उसको शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, तो नेक्स्ट है हमारा कि बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकार बॉन्डों की बिक्री खरीद को क्या कहा जाता है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन उसको कहा जाता है, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है आपका किसको, जो सरकार बॉन्ड बिक्री करती है या खरीदती है उसको। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है आपका विश्व वर्ल्ड बैंक ही जारी करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी वर्ल्ड बैंक, ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस भी वर्ल्ड बैंक, लेकिन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक जारी नहीं करता है, इसको कौन करता है, तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच जारी करता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ठीक है, तो इंडियन एग्जिम बैंक की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1982 में की गई थी। नेक्स्ट है कि वैश्विक वित्तीय स्थिति रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्ल्ड बैंक। तो चलिए अब हम देखते हैं स्मरणीय तत्व क्या क्या है। बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज को मगध में मिलाया था, तो ब्रह्मदत्त को हरा के जो है अंगराज में मगध में मिलाया था ब्रह्मादत्त। इसने मगध की राजधानी राजगीर, अगर बिंबिसार की बात करें तो मगध की राजधानी को राजगीर बनाया, भगवान बुद्ध का सेवा में जो राजवैद्य थे जीवक उसको भेजा था भगवान बुद्ध की सेवा में,
और इसका हत्या कर दिया इसका बेटा अजातशत्रु, जिसको अजातशत्रु को कुनिक के नाम से भी प्रसिद्ध है क्योंकि अपने पिता की हत्या की थी। और लगभग 32 वर्षों तक मगध पर यह शासन करता रहा। और उसके अजातशत्रु की हत्या कौन किया, तो उसका पुत्र कर दिया, पुत्र उदयन कर दिया, जो पाटलिपुत्र का जो है स्थापना किया था। और शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ कर ली, वैशाली से, जबकि पाटलिपुत्र में अपना राजधानी उदयन बनाया था, उसका स्थापना भी किया था और उसको अपना राजधानी भी बनाया। और शिशुनाग जो है पाटलिपुत्र से वैशाली कर लिया। और उसके बाद काला अशोक क्या किया कि वैशाली से उसका बेटा काला अशोक वैशाली से पाटलिपुत्र आ गया, वहाँ अपना राजधानी को ट्रांसफर कर दिया। बिंबिसार जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन अजातशत्रु जैन धर्म का था, ठीक है। अब बाद में ये बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। शिशुनाग का उत्तराधिकारी था काला अशोक। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था, तो नंदी बर्मन था। नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महापद्मानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो चलिए अब हमारा इधर हो गया, अब हम जो है एक और सेट करेंगे। तो होप सो गाइस आपको अच्छा लग रहा हो अभी, तो चलिए हम अब नया सेट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसका आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश में विकसित किया गया है, ठीक है। तो ये आपका भारत में ही हेलिना रक्षा उपकरण को विकसित किया गया। दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल में, भितरकनिका ओडिशा में है। पीताम्बरम की बात करें तो ये आपका तमिलनाडु, जबकि वेम्बनाड केरल में है, कर्नाटक में नहीं है। तो डी जो है ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जाना जाता है सैंटोस को, ठीक है। अफ्रीका के सैंटोस बंदरगाह को जो है कॉफी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपका हैदराबाद में, राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है आपका हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है कि कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कौन सुमेलित इसमें से नहीं है, तो रेनेटिंग पनीर सही है, जैव प्रौद्योगिकी तो उसका हो गया प्लाज्मिड्स, और गोल्डन चावल विटामिन ए उसमें पाया जाता है, ओजोन परत ट्रोपोस्फेयर, तो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन परत नहीं है बल्कि वो स्ट्रेटोस्फेयर में है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो 6 नंबर का आपका आंसर हो जा रहा है 2 और 4, क्यों भाई। तो अगर बात करें पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पे, नहीं पश्चिमी घाट के पश्चिमी घाट पे ही जो है आपका, अगर बात करें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, तो वहाँ तो सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। तो तीसरा हो गया कि अरावली पर्वत श्रृंखला पर, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है आपका सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला पे तो नहीं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों, तो इसका मतलब हो गया 2 और 4, ठीक है। 2 और 4 जो है आपका आंसर हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। निश्चित कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, तो ये आपका उदाहरण है बलित पर्वत का उदाहरण है आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट है कि करेवा वैली कहाँ स्थित है, तो करेवा आपका जो है कश्मीर में स्थित है, इसमें जो है केसर की खेती होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, तो ये चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों ने जो है ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था। चलिए इसमें सबको गिरफ्तार करके जो है जेल में डालता जा रहा था। चलिए नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है कि किस व्यक्ति ने रोलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है, तो ये आपका सीएफ एंड्रूज ने कहा था कि रोलेट एक्ट को जो है जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था सीएफ एंड्रूज ने। नेक्स्ट है कि वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो ये आपका पारित किया गया 1980 में, हमने देखा कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका कब किया गया, तो 1986 में। 1952 में आपका जो है वन नीति आया, ये सब याद रखिएगा। 1972 में क्या है, तो वन्य जीव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन यानी वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम आया, और फिर ये हो गया हमारा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है, तो जल वाष्प भी है, मिथेन भी है, ओजोन भी है, कार्बन भी है, CO2, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभाव कौन सा गैस उत्पन्न करती है, तो जल वाष्प हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिगरेट में धुएं के मुख्य प्रदूषक क्या हैं, तो सिगरेट में आपका क्या क्या है,
तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी और बेंजीन भी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 13 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गैसोहोल किसका मिश्रण है, तो गैसोहोल आपका जो 90% उसमें पेट्रोल होता है और 10% अल्कोहल होता है, तो इसको गैसोहोल कहते हैं। 90% उसमें पेट्रोल होगा और 10% अल्कोहल होगा, तो गैसोहोल। नेक्स्ट है कि यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो उससे क्या होगा, तो उससे अगर हम बात करें तो उसका वेग परिवर्तित होता रहता है। अगर कोई वस्तु समान गति से जो है सर्कल मोशन में वो गति कर रहा है तो उसका जो वेग है उसका वेलोसिटी जो है चेंज होता रहेगा, कभी ज़्यादा कभी कम, इस तरीके से होता रहेगा। अब सूची वन को सूची टू से मिलाना है, ठीक है, तो अब हम देखते हैं सूची वन को सूची टू से मिला के। आपका हाइग्रोमीटर की बात करें तो सापेक्ष आर्द्रता हो जाएगा, बैरोमीटर आपका दाब हो जाएगा, वॉट अगर शक्ति हो गया, तो एमीटर विद्युत हो गया, ठीक है, तो यानी एमीटर हो गया विद्युत, ए का थ्री, ठीक है, ए का थ्री, ए का थ्री इधर हो गया, थ्री का ए का थ्री, ए का थ्री तो सब है। उसके बाद हम बात करें हाइग्रोमीटर, तो ये फोर हो जाएगा, बी का फोर, बी का फोर, तो इसका मतलब हो गया कितना नंबर है, 16 नंबर, 16 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, सही है, सी हो गया, ठीक है। एमीटर आपका हो गया विद्युत, फिर से सुन लीजिए, और हाइग्रोमीटर हो गया सापेक्ष आर्द्रता, वहीं अगर बात करें बैरोमीटर तो ये प्रेशर या दाब को मापता है, वाट यानी पावर या शक्ति को, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था, तो ये क्या था आपका, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन जो है आपका करने वाले बी आर अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है, तो आधुनिक भारत का निर्माता आपको राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, तो 19 नंबर हमारा है कि ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है, तो ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे संबंध जो है खेल का किस खेल से है, तो लॉन टेनिस में जो है ड्यूस डबल फॉल्ट ये सब वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि प्राकलन समिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, तो ये आपका जो क्या है, किसमें सदस्यों की संख्या 25 होती नहीं, प्राकलन समिति में 30 होती है, दूसरा ये गलत हो जाएगा, दूसरा है कि इसमें सदस्यों की संख्या 10 सदस्य लोकसभा और 15 राज्यसभा जी नहीं सिर्फ लोकसभा के ही होते हैं, तीसरा हो गया किसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, 3 नहीं 1 वर्ष का होता है, तो कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 यानी डी का 4 केवल 4 है जो ये सही है। नेक्स्ट है कि राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसके सम्मेलन की अध्यक्षता जो है राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची वन को सूची टू से सही मिलान करना है, भाग 5 की बात करें तो उसमें संघ सरकार, ठीक है, भाग 5 में आपका जो है संघ सरकार आएगा, वही निर्वाचन आपका है भाग 15 में, अगर संविधान संशोधन प्रक्रिया की बात करें तो भाग 20, और अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र आपका आएगा भाग 10 में, ठीक है, तो उस हिसाब से मिलाएंगे तो यानी हो जाएगा 1 का दिया ना, तो 1 का ए 2 का सी, 1 का ए 2 का सी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है, तो आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है आपका आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है, उसके साथ ही आपका राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ली गई है, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन भी लिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 215 जो है उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है, तो भारत का संविधान आपका एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। हमारा लक्ष्मीकांत सर का पॉलिटी सीरीज चल रहा है, आप वहाँ जाके देखिए, आपको ये सब चीज़ बेहतर समझ में आएगा। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट की शक्ति जो है किसके पास रहेंगी, तो ये कहता है भारत का संविधान कि संघ की संसद के पास रहेंगे अवशिष्ट की शक्ति। अब नेक्स्ट है कि किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, तो अविश्वास प्रस्ताव पारित किए जाने पर मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। अब नेक्स्ट है कि लोक लेखा समिति के संबंध में तो कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, तो इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, तो ये आपका जो है सही हो गया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, तो ये गलत है, जो राज्यसभा के कितने हो गए,
तो 15 सदस्य जो है लोकसभा के होते हैं, 7 सदस्य आपके राज्यसभा के होते हैं। तीसरा हो गया कि समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है। तो 1 और 3 सही है, 2 इसलिए गलत हो गए क्योंकि राज्यसभा के नहीं लोकसभा के 15 होते हैं और 7 सदस्य जो हैं वो लोक राज्यसभा के होते हैं। नेक्स्ट है कि गिल्ट एज मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये आपका जो है सरकारी प्रतिभूतियों के यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के व्यापार से संबंधित है, गिल्ट एड्स मार्केट। नेक्स्ट है कि चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1994 में जो है चालू खाते के संदर्भ में 1994 में रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है कि डायो मोंटिना गर्त खाई किस महासागर में स्थित है? तो ये आपका है हिंद महासागर में डायमेंटिना गर्त, ठीक है। नेक्स्ट है कि बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? तो बरमूडा ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ये उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में है, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में आपका बरमूडा ट्रायंगल या बरमूडा त्रिभुज। नेक्स्ट है कि अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है, तो ये आपका जो है नीस का है रूपांतरित रूप है अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का जो है रूपांतरित रूप क्या है, नीस है। नेक्स्ट है कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो ये आपका 5 प्रतिनिधि जो है अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के शामिल हुए थे। नेक्स्ट है अनवर ए सुहैली किसका फारसी अनुवाद है? तो ये पंचतंत्र का अनुवाद है अनवर ए सुहैली। नेक्स्ट है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? तो ये पुर्तगाल की देन जो है मानी जाती है प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। तो 36 का हो गया ए। नेक्स्ट है कि राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था आपका देवेंद्र नाथ टैगोर ने, ठीक है। उन्होंने जो है ब्रह्म समाज के बाद उनके जो मृत्यु के बाद जो ब्रह्म समाज को संभाला था। चलिए नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। तो 37 नंबर आपका क्वेश्चन है, 37 देख लिया था ना, 38। निम्नलिखित में किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने भाग लिया था, सरोजिनी नायडू ने भी लिया है, मदन मोहन मालवीय। तो 38 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो है 1, 2, 3, ठीक है। मौलाना आजाद नहीं लिए थे, बाकी महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय, 1, 2, 3। नेक्स्ट है कि भक्ति आंदोलन के दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका रामानंद स्वामी को जो है दिया गया है, दक्षिण से उत्तर भारत भक्ति आंदोलन को इन्होंने लाया। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्रथम बौद्ध संगीति की बात कर लें तो वो हो जाएगा आपका अजात शत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो वो हो जाएगा काला अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें तो वो अशोक, और चतुर्थ की अगर हम बात करें तो कनिष्क, ठीक है। तो चलिए ए का आपका हो गया 4, ए का 4, बी का आपका हो गया 3, ठीक है। तो ए का 4, बी का 3, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम 41 देखते हैं। गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें, ठीक है। असहयोग आंदोलन, रोलेट एक्ट, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद। तो खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद, ये दोनों एक ही साल हुआ था 1918 में, बस मंथ का दिक्कत था उसका, मार्च में दोनों हुआ था लेकिन डेट का कुछ पंगा था। एक मिनट देख लेते हैं जरा डेट का। तो 41 का आपका आंसर है डी, यानी कि 43। पहले अहमदाबाद मिल होता है, ठीक है, मार्च में ही, उसके बाद आपका खेड़ा आंदोलन होता है। पहले अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होता है और उसके बाद मार्च 1918 में खेड़ा आंदोलन फिर होता है आपका, उस समय मार्च में ही 1918 में ही, ठीक है। तो हो गया 43। उसके बाद फिर आपका आता है क्या, रोलेट सत्याग्रह, ठीक है, ये 1919 में, और उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में। तो हो गया 4321, ठीक है। नेक्स्ट है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो डीएनए आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट है कि किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? तो ये सभी प्रोटीन नहीं है, ठीक है, ये आपका जो है सही है, 43 का आंसर हो जाएगा डी, ये सभी प्रोटीन नहीं है, ये इनमें जो है अलग होता है। ये केवल जानवर में पाए जाते हैं, ये केवल पौधों में पाए जाते हैं, वो पाचय के दौरान नष्ट नहीं होते हैं। तो ये सब ऐसा कोई बात नहीं, ये सभी प्रोटीन नहीं है, ये सही है। अब हम देखेंगे
44 है कि निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है, तो वो है जीरोप्थैल्मिया। ठीक है, जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ऑस्ट्रेलिया मलेशिया की बात करें तो ये जो है आपका किसमें, तो विटामिन डी की कमी से होता है, एनीमिया विटामिन ए की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की। नेक्स्ट है कि एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, तो आपका सोनोग्राफी कहलाता है। ठीक है, ये बायोटेक्निक है जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी करने के लिए। नेक्स्ट है कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये आपका हो जाएगा दुगनी हो जाएगी। ठीक है, अगर लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि जो क्या हो जाएगा, दुगनी हो जाएगी। ठीक है, 46। नेक्स्ट है कि वायु अंगार गैस में मुख्य घटक क्या होता है, तो वायु अंगार में आपका CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड N2, ठीक है, नाइट्रोजन और CO2 होता है। ये हो गया वायु अंगार गैस में CO, N2 और CO2। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्सिटोनिन जो है ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। नेक्स्ट है कि मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है, तो ये जो है डिंडवाहिनी नालिका यानी फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब या फिर डिंडवाहिनी नालिका को जो है मुख्य जनन अंग कहा जाता है मादा जनन तंत्र में। लास्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है, तो ये आपका ग्लूकोज हो गया जो कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है। तो चलिए हम स्मरणीय तत्व फटाफट देख लेते हैं। तो स्मरणीय तत्व में अगर महाजनपद की बात करें तो मगध, इसकी राजधानियों के गिरिप्रज, राजगिरी, अंग, चंपा, बज्जी की वैशाली, काशी की वाराणसी, वहीं कौशल की श्रावस्ती, अवंती की उज्जैन, मल की कुशावती, पांचाल की अहिच्छत्र या कांपिल्य, वत्स का हो गया आपका कौशाम्बी, चेदी का हो गया शक्तिमती, कुरु, इंद्रप्रस्थ, कंबोज, हाटक, अस्मक, पोटली, वहीं चेदी हो गई शक्तिमती, मत्स्य ये विराटनगर राजस्थान, सूरसेन आपका मथुरा, गांधार आपका तक्षशिला। ठीक है, तो होप सो गाइज आपको मेरा वीडियो